में जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सीहोर, राजनीतिक हो या सामाजिक क्षेत्र, जन प्रतिनिधियों को ऐसे काम करना चाहिए कि जनता वर्षों तक उसे याद करती रहे। यही काम सीहोर नगर पालिका की इस परिषद ने किया है। 5 वर्षों में परिषद ने जो शहर की तस्वीर बदली है उसको लेकर नपा अध्यक्ष और परिषद को वर्षों तक याद किया जाता रहेगा। उक्त बात निवर्तमान अध्यक्ष अमिता जसपाल अरोरा ने कार्यकाल पूरा होने के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में कही है। आगे श्रीमती अरोरा ने कहा है कि जनता के विश्वास पर खरे उतरने का पूरा प्रयास किया है। गौरव की बात है कि नगर विकास में इस परिषद ने इतिहास रचा है। पिछले 5 वर्षों में शहर में इतने विकास कार्य हुए हैं कि विकास कार्यों के मामले में पूर्व की सभी परिषद इन परिषद के सामने बौनी रही हैं। कभी भी स्वीकारी 3 वर्ष मिले काम करने के लिए अपने जन्मदिन पर आयोजित प्रेस वार्ता में निवर्तमान अमिता जसपाल अरोरा ने परिषद के 5 वर्ष पूर्ण होने पर समस्त पार्षदगण, अधिकारी, कर्मचारी, जनता को इसका श्रेय दिया है। उन्होंने कहा है कि नगर का विकास तभी संभव हुआ है जब हम सब ने मिलकर कंधे से कंधा लगाकर कार्य किया है। शहर विकास में 5 वर्ष तक कब निकल गए पता ही नहीं चला। वहीं अमिता अरोरा ने कहा है कि मैं ये स्वीकार करती हूं कि कुछ कमियां भी रही होंगी, क्योंकि 15 महीने की कांग्रेस सरकार में 2 बार हटाया गया जिससे काफी समस्या आई। इस कारण हमें कार्य करने को सिर्फ 3 वर्ष ही मिले। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अमिता अरोरा ने सीहोर की जनता का धन्यवाद किया। इस दौरान मौजूद पूर्व पार्षद, जनप्रतिनिधि, शहर के नागरिकों ने फूलमाला, गुलदस्ता भेंट कर सफलतम कार्यकाल की बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे टिकट देके और नगर पालिका अध्यक्ष में बनी, सीहोर की जनता ने मुझे इतने भारी मतों से विजय बनाया, उसमें मुझे भरपूर जनता का साथ, हमारे नगर पालिका कर्मचारियों का साथ, हमारे पार्षद जन का, पूरे परिषद का साथ मुझे भरपूर मिला। और मैंने पूरे सीहोर की, हमने मिलकर सब ने बहुत विकास किया है। वार्ड की हर गली, हर नाली, हर वार्ड में जो भी पार्क था सब ने हमने विकास किया है। और कुछ मॉल्स का विकास करा है, कुछ अभी अधूरे काम रह गए हैं क्योंकि मेरे कार्यकाल में अभी 2 साल कांग्रेस की सरकार आ गई थी तो उनने हमें हटा दिया था, 3 बार हटाया, जिसके कारण हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे। और हमने अपने कार्यकाल में 3 साल काम करा और 3 साल में शायद मैंने 10 साल को, 15 साल का जो पिछला काम था उसको पूरा करा। इस सीहोर की हर गली, हर चौराया आपके सामने है। कुछ सड़कें जो उधड़ गई हैं उनको भी हमने, ठेकेदारों का पेमेंट अभी रोका हुआ है और रोका है, और जब तक उसको दोबारा वो काम नहीं करते हमने उसको पेमेंट नहीं दिया है। ये हमारे कार्यकाल की एक वो खासियत थी कि जब तक हमारा इंजीनियर और वो नहीं देखते थे हमने उसका अभी भी पेमेंट रुका हुआ है। जब सड़क सुधर जाती हैं उसके बाद ही हम पेमेंट करते थे। और मैंने भरपूर विकास किया, सभी ने मेरा बहुत साथ दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। सीहोर की जनता के लिए क्या कहेंगे? सीहोर की जनता तो मेरी अपनी है और सहयोग रहा उनके पास। बहुत बहुत अच्छा सहयोग मिला मुझे, और मुझे खासकर महिलाओं का, तो मेरे लिए महिलाएं शायद मुझसे फिर से वो आशा रखती हैं कि मैं दोबारा सीट पे बैठूं। और उनका जो नगर पालिका नहीं जानती थी महिलाएं कि नगर पालिका क्या होती है, वो भी समझने लगी आजकल। अब आप देखते होंगे कि इतनी भीड़ नगर पालिका में सिर्फ महिलाओं की रहती है। महिलाएं बेझिझक होके, डॉक्टर, इंजीनियर्स, मैंने हर महिला का बहुत सम्मान करवाया है। हर महिला नगर पालिका जानने लगी कि नगर पालिका होती क्या है, नगर को पालने के लिए नगर पालिका होती है, तो उसमें अब महिलाएँ खुल के आती हैं और बेझिझक आती हैं। और सभी ने मेरा बहुत साथ दिया, पूरी जनता सब। और मैंने गरबा भी करवाया, सभी जो भी त्यौहार उनका गणगौर होता था, जो भी महिलाओं का त्यौहार है, हमने सब ने मिल के 5 साल उसको बहुत उत्सव पूर्वक मनाया है। धन्यवाद कहना चाहिए। हाँ बिल, बहुत बहुत धन्यवाद। सीहोर से खबर समय जगत के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।